बोलना भूल गई थी और ये सेकंड पार्ट है क्योंकि आपने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी होगी ये वाली, ठीक है। सो ऐसे मैंने बहुत सारे स्टफ मंगवाया था और ये सेकंड वीडियो है, इसके बाद भी एक थर्ड वीडियो भी जरूर आएगा, उसको जरूर देखना। और मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहती, फिर आप बोलते हो कि बहुत ज्यादा बोलती हो। सो या स्टार्ट करते हैं एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेंशन कर दिया। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा ये वाला टॉप मैंने अर्बैनिंग से परचेस किया है, जिसको मेरे को रखना है नहीं रखना ये मेरे कन्फ्यूजन था, और आप देख सकते हो कि मैंने इसे रख लिया है। फाइनली मैंने इसको रख लिया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा था ट्राय ऑन जब मैंने इसको एडिट किया था, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रिटी लगा था ये वाला। सो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो आइटम मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये नॉर्मल टी शर्ट क्रॉप टॉप है। ओह ये दिख गया थोड़ा सा, ठीक है। सो इसमें जो पैटर्न है वो आपको दिख गया है ऑलरेडी, और ये है इसमें बना हुआ है एक लिप शेड पिंक शेड में है, बहुत ही क्लासिक कूल लुक आ रहा है इससे। और इसके नीचे शॉर्ट्स तो वाओ कितने मस्त लगेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसके ऊपर डेनिम अगर आप जैकेट वेयर करते हो और बैनिक से ही पढ़ना अगर करते हो तो, या फिर सरोजनी जाके कर सकते हो कुछ अच्छा सा ना, थोड़ा डैमेज वाला रिप वाला अगर आप इसके ऊपर वेयर करते हो ना शॉर्ट, बहुत ज्यादा सेक्सी लुक आने वाला है इसका, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ये एक नॉर्मल सी टी शर्ट काइंड ऑफ टॉप है, क्रॉप टॉप बोल सकते हो आप इसको प्रॉपर, ठीक है। और ये थोड़ा सा लूज आएगा, थोड़ा सा फिट आएगा, ये थोड़ा सा इस टाइप में ही है। और इसमें मेरा साइज स्मॉल है, इसमें सिर्फ आपको जो फ्रंट में मिलता है इसमें एक आपको लिप शेड मिल जाएगा प्रिंट किया हुआ, एंड इसमें आपको राउंड नेक मिल जाएगा। स्लीवलेस है, प्रॉपर है, ब्लैक कलर का शेड है, समर्स के लिए सबसे बेस्ट है, परचेज करके देखना अच्छा लगेगा आपको, पक्का अच्छा लगेगा। और इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है इसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप देख लेना 490 ज्यादा ही है। और अगर आप विशलिस्ट में रखा हुआ है अपना जितना भी संपत्ति है एक साथ अगर आप उसको परचेस करते हो तो वो आपको बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाएगा, तो वो ट्राई जरूर करना। अगर आपको कुछ भी पसंद आता है ना तो उसको ना साइड कर दो, वेट करो क्योंकि नए नए कूपन्स आते हैं, उनको ट्राई करो और फिर परचेस करो। सो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट तो कर ही दिया है। सेकंड जो है टॉप वो ये वाला है, ट्राई ऑन आपको इसका साइड में दिख जाएगा, ये वाला टॉप। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मैंने सारे ना अर्बैनिक के बहुत मोस्टली टॉप परचेस कर लिए हैं, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो मैंने एक ब्लैक एंड व्हाइट वाला टॉप परचेस किया है अभी रिसेंटली जो वीडियो में हॉल में दिखाया था, वो उसका ही मेरे पास एक है दूसरा, बट उसमें एक चीज नहीं थी जो मैंने बता दी थी। और अब वापस से ये वाला टॉप जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये मेरे पास है, रेड कलर में है और बहुत ज्यादा ही प्रिटी टॉप है वो, तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। फैब्रिक भी इसका इतना ज्यादा खास नहीं है, लेकिन उसका फैब्रिक इतना अल्टीमेट है ना, इतना सुंदर है वो, बहुत ज्यादा सुंदर है, रेड कलर प्रॉपर हॉट रेड जिसे बोलते हैं ना वो है। और सेम यही पैटर्न है, ये तो कुछ भी नहीं है, उसकी स्लीव्स तो बहुत ज्यादा ही लॉन्ग में है। और ये आपको दोनों साइड से ना इक्वल तो नहीं मिलेगा, नहीं दोनों साइड से इक्वल नहीं है, हाँ थोड़ा सा जो फ्रंट से थोड़ा सा डीप में है, बैक से थोड़ा सा नॉर्मल में है, बट इसका शेड पिंक बेबी पिंक है। और इसमें ना स्ट्रैप, इसका जो फैब्रिक है थोड़ा सा डिफरेंट है, बस सी थ्रू सा मुझे इसका फैब्रिक लग रहा है, और हो भी सकता है क्योंकि लगना क्या है इसका फैब्रिक जो है सी थ्रू है, और ओवरऑल अच्छा है, क्यूट सा है, लेकिन वो रेड वाला इतना ज्यादा अच्छा है ना, बहुत ज्यादा अच्छा है, ये वाला उसके आगे कुछ भी नहीं लग रहा मुझे। और अगर आपके पास वो रेड वाला नहीं है, पिक्चर में इंसर्ट कर दूंगी, तो आप ये वाला परचेज करके देखना, आपको जरूर अच्छा लगने वाला है। क्योंकि अगर आपको पिंक कलर ज्यादा पसंद है रेड के अकॉर्डिंग, तो फिर ये वाला जाना, ये भी अच्छा लग रहा है, मतलब क्रॉप टॉप है प्रॉपर, और व्हाइट कलर की जीन्स के साथ या फिर ब्लैक कलर की जीन्स के साथ शॉर्ट्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से पेयर अप कर सकते हो आप इसको। और अगर आपको क्रॉप टॉप नहीं पसंद तो आप इसके ऊपर जैकेट भी कैरी कर सकते हो, लेकिन इसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। मुझे नहीं लगता किसी भी लड़की को क्रॉप टॉप नहीं पसंद होंगे, बट हाँ एक होता है कि फैमिली में अलाउ नहीं होता, बट सबका मन करता है कि वेयर करें, तो आप इसको डेनिम जैकेट के साथ भी वेयर कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा, तो एक बार ट्राई जरूर करना। सो बात करते हैं नेक्स्ट टॉप की। सो नेक्स्ट टॉप नहीं है, नेक्स्ट एक मैंने टी शर्ट मंगवाई है, और लाइक आई गेस कि ये ना बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीमली मुझे बड़ी मिल गई, शायद से यही था। इसमें जो साइज बता रहे हैं वो स्मॉल बता रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये स्मॉल साइज है, अगर हम देखा जाए ना तो ये एक्स्ट्रा लार्ज में अगर ये आता है, मतलब ये जो साइज है वो एक्स्ट्रा लार्ज है, और मैं एक्स्ट्रा लार्ज वाली इतनी टी शर्ट, मैं इतना भी बैगी नहीं वेयर करती हूँ, और ये मुझे नहीं पसंद आई बिल्कुल भी। बट इसका कॉस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो कॉस्ट इसका बहुत रीजनेबल भी नहीं लगा था मुझे, ये है ना 700 के अंडर में थी, ये 590 की है। लाइक अगर आप इसको परचेज करते हो
है ना, किसके साथ, किसी भी एक पेयर के साथ, जो टू टॉप्स वाला था ना, बाय वन गेट वन वाला, उसमें आपको मिल जाएगा 390 समथिंग का। तो हाँ, ओवरऑल अच्छा है, लुक भी अच्छा है, और इसमें कुछ प्रिंट भी बहुत अच्छा सा किया हुआ है, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कस्ट क्लासिक, बहुत सुंदर सा है, अच्छा है, व्हाइट कलर के शेड में, बहुत सारे कलर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। और साइज तो यही था, स्मॉल शायद से, या फिर फ्री साइज था, बट इसमें स्मॉल साइज दे रखा है, तो स्मॉल साइज में ये इतनी लॉन्ग, अगर डेनिम शॉर्ट्स वेयर करते हो ना, थोड़े से डैमेज वाले, और बूट्स वेयर करते हो, और यार क्या लुक बनेगा इससे, बहुत अल्टीमेट लुक बनेगा। और अगर आपको वैसे वेयर नहीं करनी, शर्ट की तरह करनी है, तो इसमें बीच में एक आप बेल्ट भी ऐड कर सकते हो, तो बहुत अच्छा है, परचेज करके देखना। सो बात करते हैं नेक्स्ट। ये जो मैंने लिया है, इसकी पिक्चर आप एक बार देख लो, फिर मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ थोड़ी सी। तो मैं गई थी सरोजनी, आप सबको पता होगा, मे बी बहुत लोगों को पता होगा कि मैं सरोजनी गई थी, और मैंने वहाँ से परचेज़ किया था, मैंने दिखाया नहीं आइटम, पर मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो मैंने वहाँ से परचेज़ किया था ये, ठीक है, सेम क्रोशिया का है ये, है ना, और इसके साथ पेयर करने के लिए मैंने मंगाया था अर्बेनिक से ये। तो लग रहे ना दोनों सिमिलर, लेकिन ये इतना ज़्यादा सुपर हाई वेस्ट है, वो इसका तो लुक अच्छा आ रहा है, लेकिन जो ये है ना, ये मैंने मंगवाए हैं 36 साइज में, है ना, और 36 साइज में ये मुझे नहीं आ रहे, और ना ये बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं, ये यहाँ से तो ऐसे आ गए और नीचे से ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं ये। तो ये मैंने बहुत मन से मंगाए थे, क्योंकि मुझे इसके साथ वेयर करना था और मुझे कहीं जाना था, पर वो मैं अब चीज़ नहीं कर पाऊंगी, तो ये मुझे नहीं पसंद आया। और इसका कॉस्ट है 580 आई गेस, या फिर 490, ऐसे कुछ इसका प्राइस है। तो बहुत मन से मंगाया था ये, मेरे पर अच्छा नहीं लगा मुझे। तो अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हो, बीचेस टाइप में है ये, तो आप इसको मंगवा सकते हो, पैडेड है, प्रॉपर पैडेड है, बट ये ना ऐसे मैंने लगाया बांधा, और ये ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर हो रहा था, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया ये। और इसमें आपको स्ट्रैप मिल जाएंगी, जिसको आप टाइप कर सकते हो बैक में, और यहाँ से भी टाइप कर सकते हो बैक में, ठीक है। तो ये इसका लुक है पूरा, जो कि बहुत ही बुरा है, और मैं इसका ट्राई ऑन भी नहीं दे सकती आपको, सॉरी, ठीक है। सो बात करते हैं इसकी, तो ये वाली ड्रेस आपको दिख जाएगी स्क्रीन पे। ये वाली लेने का मेरा बहुत मन था, क्योंकि मैं ट्राई करना चाहती थी कि ये एक्चुअली में लगती कैसे है, इसका फिट कैसा आता है, और अगर सच बताऊं तो इसका फिट बहुत अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा फिट है इसका, लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका, और थोड़ा सा समरी वाइब दे रहा है, बहुत ज़्यादा ना ये ठंडा ठंडा सा लग रहा है मेरे को, जिसका फैब्रिक है। ओवरऑल बात करूँ इसकी, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है बहुत, और इसकी जो आपको मिल जाती है स्लीव, वो आपको यहाँ से बलून वाली मिल जाती है, यहाँ पर अच्छा से इलास्टिक किया हुआ है, जिससे ये स्टिक करे आपकी बॉडी पे। एंड फ्रंट से अगर आप देखोगे तो इसमें थोड़ा सा ये पैड है, तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, सीरियसली अगर ये पैडेड है ना, तो बहुत, इसमें तो कुछ भी दिया है, ये कप साइज इतना छोटा है इनका, स्मॉल में बहुत ज़्यादा छोटा कप साइज है, और ये है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ये चीज़ मुझे नहीं आई है, अब ये आपको दिख भी जाएगी, बट इसकी स्लीव्स वगैरह काफ़ी अच्छी और बहुत ज़्यादा लॉन्ग में है, और प्लस इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ना एक स्लिट मिल जाएगा अच्छा खासा लंबा सा, तो आप इसको स्ट्रिच करवा लेना अगर ये वाली ड्रेस आप परचेज करते हो। तो इसका कॉस्ट है 1400, यहाँ तक आप इसको स्ट्रिच करवा लेना, जिससे कि इसमें आप जो भी टाइटी वगैरह वेयर करो वो इतनी विजिबल नहीं हो। तो ट्राई करना इसमें या तो स्किन या फिर वाइट, मैंने इसके अंदर स्किन की है, ठीक है, तो मजाक मत बनाना। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें जो प्रिंट है वो फ्लावर वाला है, पिंक शेड में है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसको भी ट्राई ज़रूर कर सकते हो आप, अच्छा लगेगा। मतलब ये ना ऐसी ड्रेस है जो समझ में अच्छी लगती है, लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, सबसे अच्छी बात फील ही नहीं होगा आपने वेयर किया हुआ, और सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपको ना ऐसा लगेगा कि यार हाँ ये ड्रेस लेना मतलब वर्थ था, तो इसलिए परचेस करके देखना, अच्छा लगेगा। सो बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट ड्रेस का, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तो ये वाली ड्रेस मैंने जीमा आशी आई गेस यही नाम है उनका, तो मैंने उनको वेयर करते हुए देखा था ये एक इवेंट में, मैं नहीं गई थी बट मैंने उनका वीडियो वगैरह देखा था, तो उनके ऊपर अच्छी लग रही थी, तो मैं थोड़ा सा रिलेट करती हूँ उनकी बॉडी से, तो मैंने ये मंगा ली है। तो ये जो ड्रेस है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बट इसका कॉस्ट 1600 है, और ये मुझे इतनी वर्थ नहीं लगी, क्योंकि ये ना ये वाली जो ड्रेसेस होती है ना, ये सिर्फ आप एक बार वेयर कर सकते हो, दो बार वेयर कर सकते हो, मन उठ जाता है ऐसा ना कि यार नहीं यार अब नहीं, और ठीक है, बट ओवरऑल मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। लुक आप इसका देखो कितना ज़्यादा क्यूट है, और ये इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है,
मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी ये वाली सच में। और इसकी स्लीव्स आपको बलून स्लीव्स मिल जाती है, और फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको यहाँ पर जिगजैग वाला पैटर्न मिल जाएगा, पूरा अच्छा खासा पैटर्न किया हुआ है इसमें। और यहाँ से थोड़ा सा ना इसका बलून वाला लुक है थोड़ा सा यहाँ से, और ये पूरी फ्रॉक टाइप में है, नीचे लेस एड की हुई है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। बैक से आप इसमें देखोगे तो पूरा स्मोक वाला लुक है, जिससे कि ये आपको परफेक्टली बैक से एंड फ्रंट से ऐसा बिल्कुल खिंच के बिल्कुल फिट आए, कॉर्सेट वाली ड्रेसेस होती ना वैसा वाला लुक। तो मैं बोलूंगी कि अगर आपको ट्राई करना है कुछ तो आप ये ट्राई करो। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको ना अपने बर्थडे पर, मतलब बर्थडे पे इसको वेयर करूँ, और मेरा बहुत मन है इसको वेयर करने का, ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी ड्रेस है। तो जरूर ट्राई करना, और मैं जरूर बताऊंगी कि आपको मैंने ये रखी है या नहीं रखी। सो ये सारा स्टफ मैंने जब परचेज किया था, तो मुझे जरूर बताना आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।